अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक न्यू वीडियो लेके हाजिर हूँ, जो कि आप लोगों को ये डिज़ाइन और ये मेरे बेटे के प्यारे प्यारे कपड़े बहुत पसंद आएंगे। तो मेरा बेटा जो है माशाल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है मदरसा जाने लग गया है। तो मदरसे में तो जो है ना जो पैंट शर्ट वो बिल्कुल भी अलाउ नहीं होता। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ मैं शेयर भी कर दूं, आप लोगों को ये डिज़ाइन भी दिखा दूं कि डिज़ाइन कैसे लगे आप लोगों को। तो मुझे तो बहुत ही प्यारे लगे। और मेरा बेटा जो है एक शलवार कमीज ये फर्स्ट टाइम पहन रहे हैं, क्योंकि बचपन से ही जो है ना वो पैंट शर्ट और इस तरह के कपड़े ज़्यादा इसने पहने हैं और शलवार कमीज कम पहने ना। तो अभी मैंने मदरसे के लिए इसके तकरीबन 5-7 इस तरह के ड्रेस जो है वो रेडी कर लिए, क्योंकि जुम्मे भी पढ़ना होता है और मदरसे स्कूल से जैसे ही आता है तो फिर ज़रा सा रेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद फिर मदरसे जाने की तैयारी करते हैं। तो स्टार्टिंग में मेरा बेटा जो है ना वो बोर होता था ना, कभी कहते थे कि नहीं जाना ये वो ना। तो अब अल्लाह का शुक्र है ये शलवार कमीज़ भी शौक से पहनता है अभी, और वो मदरसे जाने लग गया है। और इसी के साथ साथ मैंने बोला कि मैं आप लोगों को दिखा भी दूँ, क्योंकि नए नए और ख़ूबसूरत ख़ूबसूरत डिज़ाइन के साथ दर्जी ने मेरे बेटे के कपड़े सिए। और आप लोगों को जब पसंद आएंगे ना तो फिर ये डिज़ाइन आप लोग भी देख लेना, अपने बच्चों के लिए सिलवा देना, क्योंकि बच्चों के साथ ये नाजुक नाजुक ड्रेस और डिज़ाइन बहुत ही प्यारा लगता है। तो आप लोग यूट्यूब फैमिली भी तो मेरी एक छोटी सी फैमिली ही की तरह हो, और आप लोग सब कुछ मेरे लिए हो। तो मेरी ये डिज़ाइन तो आप लोगों को पसंद आए, क्योंकि ये लीव जो है ना ये मैं अपने बेटे के लिए इस तरह के रखती हूँ, क्योंकि इस तरह लीव से मेरे बेटे को ज़्यादा कंफर्टेबल ये महसूस होता है उसे, और इस तरह से ज़्यादा इजी हो जाता है ना पहनने में भी, और फिर कमीज़ को उतारने में भी ज़्यादा इजी हो जाते हैं। और दर्जी ने जो है ना हर कमीज़ के साथ अपने अपने डिज़ाइन और कलर के साथ उसने फिर ये बटन भी साथ लगाए हैं। और फिर इस ड्रेस के साथ मैंने वाइट कलर का कंपटीशन कर दिया है, क्योंकि वाइट कलर का शलवार जो है ना इसके साथ ज़्यादा मैच हो रहा था और ये और भी फिर प्यारा लग रहा था। तो तकरीबन ऐसे 2-3 ड्रेस जो हैं जोड़े, तो उसके साथ मैंने वाइट ही शलवार मैच किए। और खैर वाइट शलवार जो है ना बच्चों के साथ तो टिकती भी नहीं है, क्योंकि बच्चे जो है ना कपड़े जल्दी गंदे कर देते हैं। तो फिर भी मदरसे के लिए तो जितने नाजुक कलर हो प्यारे कलर हो तो और भी फिर प्यारा जस्ट है। अभी ये बटन जो है ना ये इस कमीज़ के साथ इसका डिज़ाइन है, और फिर पाइपिंग भी दर्जी ने बहुत ही आला किस्म की लगाई है, बहुत ही प्यारा। तो आप लोगों को मैं दिखा दूँ कि ये न्यू डिज़ाइन तो खैर नहीं है, पर मेरे बेटे के लिए तो न्यू है ना, क्योंकि उसने तो कभी शलवार कमीज़ पहनी ही नहीं है। तो इसके लीव्स भी मैंने इसी तरह रखे, बटन स्टिच मैंने नहीं किए, क्योंकि ये फिर बेबी के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए खोलना और फिर बंद करना, क्योंकि मदरसे में तो फिर वज़ू करना होता है और नमाज भी साथ साथ बंदा सीखते पढ़ते हैं, तो इसके लिए भी ज़्यादा वो होता है। तो इसके साथ फिर मैंने यही मतलब कि सेकंड शलवार जो है यही कलर मैंने रख दिए शलवार वाइट कलर में, तो ये कलर उससे भी फिर प्यारा लग रहा था। आप लोग अपने हिसाब से अपने उसके हिसाब से मतलब के रख सकते हो, चाहे वाइट शलवार हो या कपड़ा कमीज़ का वही कपड़ा हो तो उसी से भी शलवार बना सकते हो, पर मेरे लिए तो वाइट मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। तो हर किसी के अपनी अपनी चॉइस होती है। तो ये कमीज़ के साथ मैंने दर्जी से बोला था कि इसके साथ ब्लैक पाइपिंग
और फिर ब्लैक बटन से लगाना, तो देखिए कितना प्यारा लग रहा है इसका। और इसके भी यही मैंने लीव्स बनाए हैं, बिल्कुल इजी। और ये ड्रेस भी बहुत ही प्यारा लग रहा है ब्लैक के हिसाब से, और भी जच रहा था ये कलर। तो जाते जाते मैं आप लोगों को एक बात कहती हुई चलूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को लाइक करना, साथ में एक छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा कमेंट भी करना कि आप लोगों को ये डिज़ाइन और ये कपड़े जो हैं कैसे लगे, और फिर मुझे कमेंट में बताना, सही है। और मैं वेट करूँगी कि आप लोगों को इनमें से कौन सा ज़्यादा प्यारा लगा। खैर मुझे तो सारे ही प्यारे लगे, तो आप लोगों के मैसेज का मुझे इंतज़ार रहेगा। और अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला। तो अल्लाह हाफिज़।